नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में अपनी मां से मिलेंगे सीएम योगी। अपने गांव पंचूर पहुंचे सीएम योगी, कुछ पलों का इंतजार, इसके बाद अपनी मां से मिलेंगे सीएम योगी। और खबर आ रही है कि पहुंच गए पंचूर गांव। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पैदल ही जब रवाना हुए सीएम योगी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, मां से मुलाकात करने के लिए पैदल ही सीएम योगी अपने घर की ओर रवाना हुए। वो घर जो उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था जब वो नाथ संप्रदाय से जुड़ते हैं और आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये तस्वीर जिस तरीके से, एक तरफ तैयारी, दरअसल सीएम योगी के जो छोटे भाई हैं उनके पुत्र का आज मुंडन संस्कार, और ऐसे में घर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम योगी। अपने गांव पंचूर पहुंचे सीएम योगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीर दिखा रहे हैं। और हमारे साथ सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं, जो कि दिन भर आज क्या हिसाब रहा वो उन्होंने दर्शकों को पहुंचाया। और अब बड़ी खबर श्वेता यही है कि घर पहुंच गए जिसे उन्होंने आध्यात्म की वजह से छोड़ा था, और ऐसे में मेल मुलाकात मां से, पूरे परिवार से, तस्वीर जो आएगी सभी को उसका इंतजार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राहुल, और देखिए उनके परिवार का इंतजार खत्म हुआ है 2017 के बाद। अब 2022 में 5 साल का लंबा इंतजार परिवार ने किया है, और जो तस्वीरें हम लगातार भेज रहे हैं जहां पैदल ही वो अपने आवास पहुंचे। और चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। हालांकि देखिए उनके घर से थोड़ा दूर हम है क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है और मीडिया को वहां से हटाया गया है, लेकिन जो तस्वीरें आपने देखी नीचे जो उनका मंदिर है जिसका अनावरण उन्होंने किया, उस मंदिर से अपने घर तक, अपने पैतृक आवास तक सीएम योगी आदित्यनाथ दल ही गए। और इस वक्त वो अपने पैतृक आवास में ही अंदर मौजूद हैं जहां वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपने तमाम रिश्तेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। और इस वक्त ये पल बहुत ही खास है जिसका इंतजार उनके परिवार वालों को लंबे वक्त से था, खासतौर पर उनकी माँ और उनकी बड़ी बहन को। और आज सुबह से जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे, तमाम उनके जो नाते रिश्तेदार हैं, दूर दूर के रिश्तेदार सभी आज इकट्ठा हुए हैं इस अवसर पर। योगी आदित्यनाथ जो 5 साल के बाद अपने इस घर पर आए हैं, ये पंचूर गांव है और यहां से गहरा नाता योगी आदित्यनाथ का है क्योंकि न सिर्फ उनका यहाँ बचपन बीता है बल्कि अपने आध्यात्मिक गुरु से भी वो यहीं पर जुड़े थे और यहीं से राजनीति में भी उनके आध्यात्मिक गुरु ने उनकी एंट्री करवाई थी। और ऐसे में देखिए उनके पिता का जब निधन हुआ था 2 साल पहले 2020 में, तब भी वो नहीं आ पाए थे क्योंकि उत्तर प्रदेश उस वक्त कोरोना की बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था और बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के ऊपर थी उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर, लिहाजा वो आ नहीं पाए थे उस वक्त भी। जिसके बाद वीडियो भी हमने देखा था उनकी बहन, उनकी माँ का, जो कह रही थी कि वो यहाँ पर एक बार आ जाए हमसे मिलने। और इस वक्त देखिए मेरे पीछे जो आप ये घर देख पाएंगे वो घर वही है उनका पैतृक आवास, जहां पर देखिए लाइटें आपको जगमगा रही हैं। ये बहुत छोटा सा गांव है राहुल, मैं आपको बताऊं, छोटा सा गांव है, छोटा सा इलाका है और यहाँ पर इक्के दुक्के ही मकान है जो आसपास नजर आते हैं। उन्हीं मकानों में देखिए अगर आप देख पाए, सिर्फ एक मकान आपको वहां पर नजर आएगा और वो योगी आदित्यनाथ का मकान है, उनका पैतृक आवास है। दूर दूर तक यहाँ कुछ मकान दिखाई देते हैं, जो आज सबसे सजा धजा मकान है इस पंचूर इलाके में, पंचूर गांव में, वो योगी आदित्यनाथ का है। यमकेश्वर जो ये प्रखंड है यहाँ पर सबसे पहले वो पहुंचे, कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने आध्यात्मिक गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद वो यहाँ पर आए, एक मंदिर का उद्घाटन किया और फिर पैदल अपने घर तक पहुंचे और फिलहाल अंदर अपने परिवार वालों से मुलाकात करे योगी आदित्यनाथ राहुल। और रात्रि विश्राम का भी जो जानकारी मिल रही है वो संभवतः वो आज अपने आवास पर ही रात्रि शाम करेंगे और कल 10 बजे के बाद यहां से हरिद्वार के लिए अपने अगले कार्यक्रम के लिए, कल के दौरे के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि श्वेता जिस तरीके से आपने बताया, रात्रि विश्राम का जिक्र किया, हालांकि इससे पहले आप जिस तरीके से उनके परिवार से मिलती हैं और खासकर मामा से जब आप बात करती हैं तो वो कहते हैं कि रात्रि विश्राम आज योगी आदित्यनाथ यहीं करेंगे और वही उनका कमरा जहां वो रहते थे उसी में वो रात्रि विश्राम करेंगे। यानी कि आज रात उन पुरानी यादों को एक बार फिर ताजा करने की कोशिश होगी पूरे परिवार के साथ, जो यहां से वो छोड़ के गए।
बिल्कुल, हालांकि देखिए सांसारिक मोहमाया योगी आदित्यनाथ त्याग चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए वाकई बहुत ही अद्भुत ये जो मोमेंट है, जो वक्त है वो इस वक्त है, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार परिवार ने किया और आखिरकार वो जो मेरे पीछे आप आवाज देख रहे हैं उसी के अंदर अभी मेल मिलाप का कार्यक्रम चल रहा है। देखना होगा क्या योगी आदित्यनाथ आज रात यहाँ पर रुकते हैं या फिर वहां से निकल जाते हैं। कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं की गई है, लेकिन जितने भी नाते रिश्तेदारों से हमने बात की उन सब ने यही कहा कि आज योगी आदित्यनाथ यहीं पर रुकने वाले हैं, उनके बीच में होंगे। और योगी आदित्यनाथ के जो छोटे भाई हैं उनके बेटे का मुंडन कल सुबह है, आज उसकी पूजा है और कल सुबह मुंडन संस्कार है, तो उसमें शामिल हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ, ये भी कहा गया है। लेकिन ये देखना होगा कि क्या वाकई रात्रि में यहाँ रहते हैं या फिर थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाते हैं राहुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा वाकई देखिए भले ही हम सबके लिए वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, संत समाज से जुड़े हुए हैं, संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनकी माँ के लिए अभी भी अजय बिष्ट है, वो बेटा है जो यहाँ से काफी सालों पहले संन्यास लेकर जा चुका है, और उनकी भाई के लिए, उनकी बहनों के लिए अपना भाई है जिसके इंतजार में वो लंबा वक्त यहाँ पर इस उम्मीद में गुजार रहे थे कि एक दिन वो आएंगे, वीडियोस भी जारी किए थे, और आखिरकार देखिए आज वो पल आ गया जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वो विद्यालय है जहाँ पर थोड़ी देर पहले तक उनका कार्यक्रम चल रहा था, अपने आध्यात्मिक गुरु की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। ये 3 दिवसीय उत्तराखंड का उनका दौरा कई मायनों में बेहद खास है, लेकिन सबसे खास क्या है, उनकी मुलाकात अपनी माँ के साथ, अपने परिवार के साथ और तमाम नाते रिश्तेदार, क्योंकि सभी रिश्तेदार उनके आसपास ही रहते हैं, बहुत दूर नहीं रहते, जो पहाड़ी पृष्ठभूमि है उसी से जुड़े हुए गढ़वाली, और वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, फुफेरे भाई बहन हैं, अलग अलग जो जगह जगह रहने वाले कजिन्स हैं वो सब पहुंचे अपने परिवारों के साथ। ये छोटे से घर में आप यूं कहें जैसे राहुल हमारे आपके घर में होता है जब शादी समारोह हो, सगाई समारोह, तो जिस तरीके का उत्साह, जो भीड़ नजर आती है कुछ वैसा ही आपको लगेगा अपने परिवार के जैसा। यहाँ पर कोई बहुत भव्य यहाँ डेकोरेशन नहीं किया गया है, भव्य तैयारियां नहीं की गई है, एक छोटा सा आयोजन जैसे हमारे आपके घर में होता है मुंडन संस्कार में, वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। छोले भटूरे सुबह बने थे जो सभी के लिए थे, जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, और जो सिंपल खाना होता है घर का वही बना है, और घर को टेंट और फूलों से सजाया गया। अभी देखिए लाइटें भी थोड़ी सी जगमगाने लगी हैं, जैसे जैसे अब अंधेरा होगा तो घर की लाइटें और ज्यादा चमकेंगी, और साथ ही जो परिवार के सदस्यों की उम्मीद है वो भी इसी तरीके से जगमगाएगी, क्योंकि आज उनके बीच उनका सपूत, उनका लाडला अजय बिष्ट, जो योगी आदित्यनाथ के रूप में अब ज्यादा जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया, और दूसरे कार्यकाल में जब वो चुने गए हैं उसके बाद पहली बार वो यहाँ पर आए हैं, तो एक तरह से जश्न का भी माहौल है पूरे परिवार के लिए। भले ही वो संन्यास ले चुके हैं लेकिन उनका जो परिवार है वो अभी भी उस मोह माया में है, और जिस शिद्दत से वो इंतजार कर रहे थे वो इंतजार आज मुकम्मल हुआ राहुल। जाहिर तौर पर हालांकि देखिए जो तस्वीर वाकई जो लोग इमेजिन कर रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ ऐसी तस्वीर हो, लेकिन इसमें भी श्वेता ये भी देखा कि एक माँ की ममता वो कभी नहीं मिटती, लेकिन जिस तरीके से आध्यात्म की तरह रुख करते हैं और सांसारिक मोह माया त्याग देते हैं योगी आदित्यनाथ, अपने पुराने नाम को छोड़ देते हैं, अपने पैतृक आवास को छोड़ देते हैं, अपने जन्मभूमि को छोड़ देते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से वो जो सेंटिमेंट है वो रहेगा जरूर, लेकिन उसे दिखा नहीं पाएंगे आज, अगर हम उसे इमेजिन करें तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे भी लग रहा है। और इसलिए देखिए मीडिया भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मीडिया के भी हम सबको बहुत दूर रोक दिया गया है, तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी है वहां से जहां पर हम मौजूद है, और इसलिए दूर से ही तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए न सिर्फ पारिवारिक जुड़ाव है राहुल, उनका यहां से आध्यात्मिक जुड़ाव भी है। जैसा मैंने आपसे कहा अपने आध्यात्मिक गुरु से भी उनकी मुलाकात यहीं पर हुई थी, जब वो छोटे थे तो यहीं पर वो जाते थे, उनसे मिलते थे, और फिर राजनीति में भी एंट्री उनके गुरु ने करवाई थी। लेकिन अभी देखिए अभी जाहिर तौर पर वो जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसके अंदर हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो रहा। एक माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया होगा और एक बहन अपने भाई को जी भर देखना चाहती होगी जो लगातार इंतजार 5 सालों से कर रही थी, और पूरा परिवार अभी घेर कर बैठा होगा योगी आदित्यनाथ को, उनसे बातें कर रहा होगा। हालांकि फोन पर सबकी बातें होती रही हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी, लिहाजा वो तमाम लोग अब बचपन की यादें अपनी ताजा कर रहे होंगे। लेकिन देखना होगा क्या योगी आदित्यनाथ आज रात यहाँ पर रुकते हैं या फिर यहाँ से चले जाते हैं अगले कार्यक्रम के लिए। लेकिन घर वाले पूरी तरीके से उम्मीद में हैं, आश्वस्त हैं कि आज योगी आदित्यनाथ यहीं पर रुकेंगे इसी घर में, इसी कमरे में, और बाकायदा पूरे घर में अभी कार्पेट राहुल लगाए गए थे उनके इंतजार में, और ये पूरा देखिए अब लाइटों से सजाया भी गया है, अब लाइट धीरे धीरे और भी ज्यादा जगमगाती हुई आपको नजर आएंगी, और सब कुछ तैयार है, और कल से ही इंतजार बेसब्री से हो रहा था जो अभी इंतजार पूरा हुआ। योगी आदित्यनाथ अपने घर में इस वक्त मौजूद है अपने परिवार के साथ। अब से कुछ देर पहले श्वेता इस तस्वीर का भी जिक्र करना जरूर चाहूंगा इस बातचीत में, क्योंकि जब संबोधित कर रहे थे वहां छात्रों को
विद्यालय में, महाविद्यालय में, तो अपने गुरु को याद करते करते भावुक हो गए, आंखों से आंसू भी योगी आदित्यनाथ का निकला है। जाहिर तौर पर कुछ ऐसी तस्वीर हमें जहां तक लगती है कि परिवार से भी मिलने के बाद ये चीजें आएंगी, होंगी जरूर। जी कहना मुश्किल है, जिस तरह से हमने आप पहले भी बात की, पारिवारिक जुड़ाव के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव भी उनका है और अपने गुरु को याद करते हुए वो भावुक हो गए। जिस तरह से मैंने बताया कि अपने गुरु से यहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी, वहीं पर उन्होंने उनसे सीखा सब कुछ, उनकी विरासत को संभाला, उनके उत्तराधिकारी बने और उसके बाद उनकी राजनीतिक विरासत को भी आगे बढ़ाया। जैसे उनको उनके गुरु का गोरखनाथ गोरखपुर की जनता पर जादू चलता था, वैसे ही योगी आदित्यनाथ का जादू गोरखपुर पर चलता है, उनकी जनता पर चलता है और वही सब कुछ हम देख रहे हैं। ऐसे में हमने देखा वो भावुक हो गए जरूर, लेकिन ये देखना होगा क्योंकि वो अपना मोह माया त्याग चुके हैं, सांसारिक जो उनकी रही है उससे संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में देखना होगा जो अंदर से तस्वीरें अगर आ पाती हैं बाहर, क्योंकि मीडिया को फिलहाल नहीं ले जाया गया है, लेकिन अगर कुछ तस्वीरें किसी मोबाइल फोन के जरिए आ सकती हैं बाहर, तो हमें वो देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ जब 5 साल के बाद अपनी माँ से मिले तो कैसा रिएक्शन न सिर्फ उनके परिवार का था बल्कि उनका खुद का भी था। श्रोता बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि और जो खबरें आई हैं वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हालांकि अपनी माँ से मिलने के लिए सीएमयू